और आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि यह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति शासन की तैयारी चल रही है। आखिर क्यों है यह आशंका, जानते हैं। दिल्ली में कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आम आदमी पार्टी ने यह आशंका जताई है। आम आदमी पार्टी की माने तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए, इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है। भाई, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, ये भाजपाइयों को तय करना है, उनको 4 महीने के बाद हारना है या अभी हारना है। अभी हारना चाहते हैं, अभी चुनाव डिक्लेयर करें, लेकिन राष्ट्रपति अभी हमें क्या दिक्कत है। आपके नेताओं का कहना है कि कभी भी केजरीवाल की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन ये आशंका क्यों है? दरअसल 30 अगस्त को बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। बीजेपी विधायकों का कहना था कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। विधायकों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी। राष्ट्रपति सचिवालय ने उस चिट्ठी को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है और इस पर उचित कार्रवाई के लिए कहा है, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आम आदमी पार्टी के नेता इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और लोगों को इससे छुटकारा मिलना चाहिए। 5 महीने से दिल्ली का असेंबली का सेशन तक नहीं हुआ, 5 महीने से दिल्ली की कैबिनेट नहीं हुई, मुख्यमंत्री जेल में है, जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, एक फाइल आज तक साइन नहीं की है। आज दिल्ली में अराजकता की स्थिति है, संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है, इसलिए अब दोबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी MHA, अपने उनके LG, अपना उनका प्रतिनिधिमंडल, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? तो सब एक ही तो है। तो जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता शक जता रहे हैं, क्या दिल्ली में वाकई राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है? इस पर अब तक ना कोई आधिकारिक फैसला आया है और ना ही कोई बयान, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के एक बयान ने कांग्रेस को पशुपेश में डाल दिया।